वेलकम टू टोद्री एह क्लासेस तो आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के बारे में यह है सलेबस ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव का तो सबसे पहले मैं बता दूं आपके थियोरिकल पोर्शन में आते हैं सेवेंटी मार्क्स जिसमें आता है आपके पास रिप्रोडक्शन यूनिट लगभग जो आपकी आएगी वो आती है सोलह मार्क्स की जैसा कि आप देख सकते हैं वहीं पर अगर हम बात करें जेनेटिक की तो जेनेटिकल पोर्शन जो आपका आता है वो आता है बीस मार्क्स का और वहीं पर अगर हम आगे बात करें ह्यूमन बायोलॉजी और वेलफेयर के बारे में तो ये बारह मार्क्स की यूनिट है नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जो बारह मार्क्स को रखती है कैरी और लास्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड एन एन्वायरमेंट की जो दस मार्क्स को रखती है तो इस हिसाब से टोटल आपके बनते हैं सत्तर मार्क्स बाकी दस्ट जो थर्टी मार्क्स हैं वो आपके मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल के अब तो हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो है लास्ट ईयर से ही रिड्यूस कर दिया गया है सेकंड चैप्टर से हम बात करेंगे क्योंकि अगर आपके पास न्यू एन सी आर टी बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट होगा लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर टू होगा फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें आप पढ़ेंगे फ्लावर स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पॉलिनेशन की डिवाइसेस डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है आपको ट्रिपल फ्यूजन पढ़ना है इन डेवलपमेंट ऑफ इंडोज पढ़ना एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पढ़ना है स्पेशल मोड्स ऑफ एपोमिक्सिस पार्थिनो कार्पी पढ़नी है और पॉलि एम्ब्रोनी साथ में आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डर ये है चैप्टर सेकेंड बट न्यू बुक में आपको मिलेगा चैप्टर वन के नाम से वहीं पे आता है इसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसमें आप पढ़ेंगे मेल फीमेल रिपोडक्शन सिस्टम के बारे में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में गैमेटोजेनेसिस परमेट्रोजेसिस ओ के बारे में जब आप गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे आपकी बात दोनों की होती है आपको इंडिविजुअल स्पर्मेटोजेनेसिस या ओ भी पूछी जाती है आगे हम बात करेंगे तो साइकिल क्या होती है फर्टिलाइजेशन कैसे काम करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है ब्लास्टोसिस क्या बनती है और कब बनती है इम्प्लान्टशन क्या होगा प्रेगनेंसी क्या होगी प्लस का फॉर्मेशन क्या होगा साथ ही साथ हम पार्टोलेशन और लैक्टेशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें आप पढ़ेंगे नीड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रिवेंशन ऑफ द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज बर्थ कंट्रोल नीड एंड मैथर्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एंड द मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथ ही साथ आप पढ़ेंगे इसमें एमनियोसिंथेसिस के बारे में इनफर्टिलिटी असिस्टेंट प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में और आपके पास आता है आई वी एफ और गिफ्ट तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है जो आती है आपकी 16 मार्क्स की तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि सेकंड हाईएस्ट पोर्शन आपके पास इसी का होता है नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी जेनेटिक्स की और इवोल्यूशन के बारे में तो जेनेटिक्स में हमें सिर्फ दो ही तीन ही चैप्टर पढ़ने हैं पहला है चैप्टर आपका हेरिडिटियन वेरिएशन सेकंड चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड चैप्टर है आपका इवोल्यूशन तो वहीं पर अगर आप बात करेंगे तो हेरिडिटी और वेरिएशन में आपको मेंडल्स के लॉस पढ़ेंगे एंड नॉन मैंडलियंस लॉ आपको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है बर्ड्स में और हनी बी में साथ ही साथ आप इसमें लिंकेज पढ़ेंगे ये होती है आपकी डिसीजे और साथ ही साथ इससे होने वाले सिंड्रोम भी आप आपको पढ़ना है डाउन टर्नर क्लाइन नेक्स्ट आप बात करेंगे तो ऑफ इनहेरिटेंस में आपको डीएनए का स्ट्रक्चर डीएनए का फॉर्मेशन जेनेटिक कोर्स डीएनए रेप्लिकेशन सेंट्रल डॉगमा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है साथ ही साथ लेक ओपेर और जीनोम के बारे में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइट जीनोम प्रोजेक्ट भी होता है लेकिन राइट जीनोम प्रोजेक्ट में भी आपके एग्जाम में ना पूछा जाए बट ये सिलेबस में इंक्लूडेड uh, है नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन इवोल्यूशन में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ओरिजिन ऑफ ऑफर यूनिवर्स और एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जिसमें आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एविडेंस ऑफ द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जस्ट लाइक ए पैलियंटोलॉजी कम्पेटिव एनाटोमी एम्बियोलॉजी एंड मॉलिकुलर एविडेंस साथ ही साथ इसमें आप पढ़ेंगे डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड मॉडर्न सिंथेटिक इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म इवोल्यूशन इसमें आप वेरिएशन पढ़ेंगे ड्यू टू द म्यूटेशन एंड रिकॉम्बी नेशन के बारे में साथ ही साथ इसमें आप पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा और साथ ही साथ नेचुरल सिलेक्शन के टाइप भी पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट और आर डी विनवर्क प्रिंसिपल के बारे में इन सभी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन बुक पेपर में बीस मार्क्स का आएगा तो ये सबसे बड़ी यूनिट है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करती है और इसके क्वेश्चन आपको हर सेक्शन में मिलेंगे ए बी सी डी इवन ई e तक में तो इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा नेक्स्ट आता है माइक्रो बायोलॉजी एंड दी ह्यूमन वेलफेयर इसमें आपके पास दो ही चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीजीज़ के बारे में और माइक्रोवस इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में जिसमें आपको पढ़ना है पैथोजेंस के बारे में टाइप्स ऑफ पैथोजेंस के बारे में वैक्टर्स के बारे में और कॉजिंग एजेंट के बारे में और साथ ही साथ इनसे होने वाले डिसीजेस के बारे में नेक्स्ट आप जानेंगे माइक्रोवस इन ह्यूमन वेलफेयर में काम कैसे करते हैं एक तरफ तो अगर डिसीज का वर्क कर तो वहीं पर दूसरी वो बेनिफिशियल भी हैं तो वो आपके फूड प्रोसेसिंग में यूज होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में एनर्जी के जनरेशन में इवन एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरफ भी हमारे लिए काम करते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने में या डिफरेंट मेडिसिन बनाने में इनका यूज होता है इसके बाद हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है इससे भी काफी क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएंगे तो पहला है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें आप आर डी टी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा सबसे ज़्यादा आता है चैप्टर ट्वेल्व में आप इसकी यूजेस पढ़ेंगे हेल्थ और एग्रीकल्चर में और ह्यूमन इंसुलिन या वैक्सीेशन के लिए काम करती है या स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है जीन थेरेपी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बायो पायरेसी बायो पेटेंसी ये ज़रूर पढ़ कर आप जाइएगा नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसमें आएगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इंट्रैक्शन म्यूचुअलिज्म कंपटीशन पैराडिटेशन पीडेशन पैरासिटीज पॉपुलेशन एटीट्यूट ग्रोथ मेंटल बर्थ रेट डेथ रेट एंड सो ऑन तो ये सारी चीज़ आपको इस चैप्टर में पूछी जाती हैं और नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इको सिस्टम जिसमें आपको इको सिस्टम के बारे में पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है और न्यूट्रिय साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट बायोडावर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है इसमें रेड डेटा बुक आई यू सी एन आई सू आई एन सेट ग्रूव्स बायोसफेयर नेशनल पार्क के बारे में आपको पढ़ना है अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल का सिलेबस हमारा क्या तो उसमें प्रैक्टिकल का जो हमारा सिलेबस है वो थर्टी मार्क्स का है तो याद रखिएगा जिसमें हमारा होगा वन मेजर एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको मिलेंगे पाँच मार्क्स वहीं पर आएगा वन माइनर एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको मिलेंगे चार मार्क्स और स्लाइड प्रिपरेशन होगी पांच मार्क्स की स्पॉटिंग आपको सेवन मार्क्स की होगी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाइव वाई के आपको चार मार्क्स मिलेंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट प्रोजेक्ट वाई वाई के आपको पांच मिलेंगे तो ओवरऑल आपको तीस मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस में आती क्या क्या चीजें हैं तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे तो पहला है प्रिपेयर द माउंट ऑब्जर्व टेम्परेरी पॉलिन जर्मिनेशन की पॉलिन जर्मिनेशन को आपको स्लाइड पे ग्रो कराना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा होता है स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाई क्वार ऑफ बाई फ्रिक्वेंसी तो याद रखिएगा ये दो में से एक आपको कन्फर्मली मिलेगा ही मिलेगा या तो आपको मिलेगा डेंसिटी वाला या तो आपको मिलेगा फ्रिक्वेंसी वाला दो में से एक आपका ये मस्ट है जो आएगा ही आएगा नैस आता है प्रिपेयर आर टेम्परेरी माउंट ऑफ द अनियन रोटिप स्टडी बाई द माइटोसिस ये ऑप्शनल है आ भी सकता है एग्जाम में नहीं भी आ सकता है बट पॉपुलेशन डेंसिटी कन्फर्मली आएगा पॉलिन जर्मिनेशन कन्फर्मली आएगा और डीएनए का आइसोलेशन भी आपका एक कन्फर्म प्रैक्टिकल है जो आपसे पूछा जाएगा तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा अपने एग्जाम्स के लिए फ्लावर्स अडेप्टेड टू द पॉलीनेशन बाय द डिफरेंट एजेंट्स ये स्पॉटिंग के लिए हो सकता है फिर आता है इसमें पॉलिन जर्मिनेशन ये भी आपका स्पॉटिंग है पी एस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी दोनों कोई भी एक आपको मिल सकता है एनी वन याद रखिएगा मियोसिस इन अनियन बर्ड सेल्स या ग्रास ऑपर में आपको देखने को मिलेगी और एक परमानेंट स्लाइड आपको मिलेगी ब्लास्लाक की जिसमें आपको मेमेलियन परमानेंट स्लाइड को पहचानना होगा नेक्स्ट आएगा मैंडेलियन के उसमें आपको चार्ट पेपर गिवन होगा उसमें से आपको उसके लॉस को आइडेंटिफाई करना होगा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कुछ मॉडल्स आपको दिए जा सकते हैं जस्ट लाइक अ कैमल डॉग कैट या अदर डिफरेंट एनिमल्स के जिससे आप उसका क्लासिफिकेशन और उसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे इसमें कोई भी प्लान लाइकेंस वगैरह भी हो सकते हैं तो जब भी आप जाइएगा तो उसको पढ़ कर जाइएगा तो इसके अलावा आपके पास जीरो फिटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं तो ये सब आपका स्पॉटिंग का मैटर है जिसको आपको बहुत अच्छे प्रिपेयर करके जाना है जिसमें आपको मिलेंगे थर्टी मार्क्स तो ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें